सामने आया। इस वीडियो में एक साथ कई लोगों ने बीजेपी नेता पर हमला कर दिया। आरोप ये भी है कि तलवार से भी हमला किया गया। वीडियो में एक साथ कई लोग दौड़ते हुए आए और बीजेपी नेता पर हमला बोल दिया। दबंगों ने बीजेपी नेता को तब तक मारा जब तक वो गिर नहीं गए। इस बीच आरोप है कि तलवार से भी हमला किया गया। बीजेपी नेता पर हमला करने के बाद आरोपी भाग गए। हैरान करने वाली ये घटना बरेली के राजेंद्र नगर इलाके में हुई। बीजेपी नेता अंकित भाटिया खड़े होकर बात कर रहे थे, तभी उन पर जानलेवा हमला हुआ। गुरुवार को नगर निगम की टीम राम जानकी मंदिर रोड पर मीट की दुकानों को बंद कराने पहुंची थी, तभी ये बवाल हुआ। दूसरे वर्ग के लोगों को शक हुआ कि बीजेपी नेता की शिकायत पर नगर निगम की टीम पहुंची। बस इसी के बाद बीजेपी नेता पर तलवारों से हमला हो गया। बीजेपी नेता पर हमले की जानकारी मिलते ही दूसरे वर्ग के लोगों ने मौके पर पहुंचकर जमकर हंगामा किया। बाद में पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत किया। उधर कुमार विश्वास की सुरक्षा बढ़ेगी। गृह मंत्रालय ने कुमार विश्वास की सुरक्षा बढ़ाने का फैसला लिया। अब उन्हें वाई की जगह वाई प्लस स्तर की सुरक्षा मिलेगी। जयपुर के एपेक्स यूनिवर्सिटी कैंपस में घुसे तेंदुए ने 5 लोगों पर